नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां लंबे समय से चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से सेक्स रैकेट में शामिल युवतियों को पुलिस ने थाने में बैठा रखा है। वहीं इस दौरान तीन लोगों को भी, तीन पुरुष को भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। सेक्स रैकेट में चार शामिल कालगर्ल सहित तीन युवकों को आपत्तिजनक हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के डब्लू ब्लॉक इलाके में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट में शामिल चार कालगर्ल सहित तीन युवकों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, लंबे समय से किराए के मकान में संचालित था सेक्स रैकेट, जिसके बाद पुलिस को इस बात की भनक लगी और पुलिस ने छापेमारी किया। आपको बता दें, पुलिस ने मकान मालिक को भी हिरासत में ले रखा है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो आपको सबसे तेज न्यूज, सबसे बड़ी खबर दिखा रहा है कानपुर से, जहां सेक्स रैकेट में संचालित चार कालगर्ल सहित तीन युवकों को आपत्तिजनक हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ये कार्रवाई किदवई नगर थाना क्षेत्र के डब्लू ब्लॉक इलाके में हुई है, जहां पर किराए का मकान लेकर काफी दिनों से सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा था। एक किराए के मकान में पुलिस ने ये कार्रवाई की है और चार कालगर्ल सहित तीन युवकों को आपत्तिजनक हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज कानपुर, ब्यूरो की रिपोर्ट। पूरा नाम बताओ। जोया यादव। कहाँ रहती है? पति का क्या नाम है? हाँ, क्या साल की बेटी है? आप इनके संपर्क में कैसे हो? वही लेवा के लाई थी जिनका छोड़ दिया है। कहीं किसके संपर्क में हो? बताओ तो। हम लोग तो सामान पैक कर रहे थे जाने का। आपका नाम? मंजिशा। मंजिशा। आप कहाँ से? हम काली। आपका नाम बताओ। शादी करनी। शादी करनी। क्या करते हैं? सविता सिंह। आप लोग किसके टच से हो? कब से जानते हो? अरे भैया, अभी हम छह दिन से मकान लिए। अंजलि को जानती कब से हो? राधे तिवारी के माध्यम से। कितने दिन से? कम से कम छह महीने उनके। छह महीने से? इसके पहले कहाँ रहती थी? हम घाटमपुर में रहते हैं, तो छह दिन आए थे। अरे तो घाटमपुर तो रोड शोरूम आती रहती थी। नहीं, दो तीन दिन से आई हम। तुमसे पूछना है, घाटमपुर अभी तुम कह रही थी सीसा मऊ में नौकरी करते थी। करते थे मौसी के। तो फिर मकान का लिया? मकान दिन तो एक महीना आज हम पैक करेगा तो वो आ गई जो कान ली। तो वो इन लोगों को लेके आई? थोड़ा खिसक के बैठो। ठीक है, देखो के दिखवाए। पूरा नाम? मुकेश गौतम। कहाँ रहते हो? इधर इधर कुत्ते वाली चाची। चाची मान लो पकड़ गई, अब तो सब आएगा। तो अभी सब क्या मामला है? मामला ये था कि हमें एक सूचना मिली किदवई नगर से कि एक सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। लोकल लोगों से मिली थी, जिसके संचालिका सीमा, वाइफ ऑफ चंद्रेश बंटी, और संचालिका थी उसमें दो तीन लड़कियां भी पकड़ी गई, जैसे खुशी यादव है, बबीता है, ममतासा है।
और एक ब्रोकर को भी हमने पकड़ा है वासुदेव जडाना, और दो ग्राहक हैं मुकेश और शैलेंद्र, ये सब पकड़े गए। मतलब कैसे क्या करते थे, कहाँ जाते थे और उनका क्या? ये अभी 3-4 दिन पहले ही शुरू किया था इन्होंने, रिसेंट का ही था। बहुत व्यापक पैमाने पे तो नहीं चाहिए मिले हैं हमको वहाँ पर। अभी एक ये किराए का मकान उठाया था, इनका मकान मालिक का तो नाम संदीप अग्रवाल है, वो तो उनका कहना है कि हमने अनजाने में दिया था, हमें पता नहीं था, 2-3 दिन पहले ही दिया था। अभी मैंने ज्यादा इसके बारे में साकेत नगर में ज्यादा पूछताछ। मकान मालिक के ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? अब मकान मालिक तो जांच का विषय है, वो जांच में यदि इंटेंशन यदि उनका साफ निकला तो हम उसमें कार्रवाई। इस प्रकार की महिलाओं को, किस प्रकार की लड़कियों को शामिल करते थे, कैसे क्या लालच देते थे जो की बताए ब्रोकर? लालच क्या, इनका 500-600-700 रुपए बताते हैं। ग्राहक से भी हमने पूछताछ की और वहाँ भी लड़कियों से भी पूछताछ, 500-600 रुपए में मतलब उनकी डीलिंग होती थी पर लड़की से। और अभी उस तरह का था नहीं, मतलब अभी तो बिल्कुल शुरुआत 3-4 दिन। और भी लोग ब्रोकर हैं क्या इसमें जुड़े हुए? नहीं, अभी बिल्कुल शुरुआत ही हुई थी। इससे पूर्व में जो पकड़े गए क्या, इससे पूर्व में जेल जा चुके हैं सब? नहीं, अभी कोई ऐसा ऐसा कोई इशू नहीं है, अभी कोई जेल में नहीं गया ना, ऐसी कोई अभी हमें डॉक्यूमेंट्री मिली। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।